देखो, अगर आप अपने वीडियो को एंड्रॉयड फ़ोन से नेक्स्ट लेवल एडिट करना चाहते हैं तो अपने मेहनत को दो गुना बढ़ा दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बात करें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तो वहाँ काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जिसके वजह से हमें वहाँ वीडियो एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन वहीं हम एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो एडिट करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें जो होती है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने के वजह से हमें एक दूसरे एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर हमें किसी ट्रांजिशन को, फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजिशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा मेहनत बढ़ जाता है क्योंकि हम वहाँ से खुद से ट्रांजिशन बनाते हैं फिर जाके वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को काइनमास्टर से यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। यू आर वॉचिंग टेक केआर। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी है आप लोगों को बताना, ठीक है? इस वीडियो का लेंथ काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि मैंने वही चीज़ कवर किया है कि कैसे आप यूट्यूब वीडियोस एडिट कर सकते हैं काइनमास्टर में, ठीक है? नहीं तो इस वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, जिसके वजह से आप लोग भी बोर हो जाते और मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। अगर वैसे मैं एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो बहुत ज़्यादा इसका लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं काइनमास्टर के ऊपर। अब हम सबसे पहले अपना काइनमास्टर ओपन करेंगे, वहाँ से 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लेंगे और बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया है। और यहाँ पे लेयर में जाके टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपको कोई भी एक जो वीडियो का टाइटल रहेगा वो आपको डाल लेना है, ठीक है? तो हमने यहाँ से काइनमास्टर लिख के डाल दिया, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कैरेक्टर स्पेस है वो हम थोड़ा बढ़ाएंगे। लाइनिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, लाइनिंग नीचे है बट उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है। और इसमें इन एनिमेशन में जाके कोई भी आप एक एनिमेशन दे सकते हैं। तो हमने यहाँ से फेड एनिमेशन दे के उसका जो ड्यूरेशन है वो मैंने 0.5 पे रखा है, जिससे कि फास्टली वो एनिमेट कर सके, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से किसी भी, बहुत सारे लोग जो YouTube वीडियोस बनाते हैं उसमें जो टाइटल का यूज होता है कुछ इस तरीके से करते हैं अगर वो काइनमास्टर से वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ से कट्स लगाना है। कट्स लगाने के बाद यहाँ पे फिर से कोई अनदर, अगर आपको एनिमेशन देना है तो अनदर एनिमेशन दे सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड वाले में एनिमेशन दो या फिर नहीं दो। तो ये एक सिनेमैटिक मैंने बना रखा है तो इसमें सेकेंड में एनिमेशन दे फिर ना दे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो हमने यहाँ से सिनेमैटिक लिख डाला एंड ये सेकेंड में काइनमास्टर सिनेमैटिक टाइटल, या फिर देख सकते हैं यहाँ से मैंने टाइटल डालना है हमें, और यहाँ से हमने टाइटल डाल लिया है। और कुछ देख सकते हैं यहाँ से कैसा दिख रहा है, सो काफ़ी एपिक लग रहा है, काइनमास्टर सिनेमैटिक टाइटल। तो ये हो गया हमारा काम। तो जो टेक्स्ट का जो यहाँ पे लोचा रहता है वो इसी तरह से आप स्टार्टिंग में टाइपोग्राफी इसको कह सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, इसको जो भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है? इस तरीके से आप अपने YouTube वीडियोज में कर सकते हैं। और यहाँ से आप साउंड इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी साउंड इफ़ेक्ट आप इजीली किसी भी चैनल पे, आपको बहुत सी सारी चैनल है जहाँ पे नो कॉपीराइटेड साउंड इफ़ेक्ट मिल जाती है तो आपको डालना है। और साउंड इफ़ेक्ट जो होता है आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग ही डालना है, ठीक है? अब यहाँ से हमें जो रॉ वीडियो है जो उसको उठाना है, ठीक है? या फिर आप साउंड इफ़ेक्ट जहाँ पे टाइटल का यूज किए वहाँ पे आप इंट्रो भी दे सकते हैं, अगर आपके पास इंट्रो है तो इंट्रो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर टाइपोग्राफी के बाद इंट्रो लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, कट्स लिया हमने रॉ वीडियो में और यहाँ से ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अप्लाई किया, थोड़ा सा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा इसका आगे जाके हमें मान के चलिए 4 सेकेंड या 5 सेकेंड पे कट्स लगा के इसमें ट्रांजिशन अपना अप्लाई कर लेना है, ठीक है?
जितना भी ट्रांजिशन है सभी ट्रांजिशन को डाउनलोड कर ले, क्योंकि कोई भी इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने वाली, हर एक चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। काइन मास्टर में जितना भी जो भी चीज़ दिया गया है, जो भी मटेरियल्स है, उस सभी का यूज कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप हमें यहाँ पे ओप्स वाला जो साउंड इफेक्ट होता है वो हमें लगा लेना है, ठीक है। अब इसमें फास्ट है, एकदम परफेक्ट साउंड इफेक्ट का जो ये होता है ना, वो एकदम आपको सॉलिड तरीके से लगाना है। साउंड इफेक्ट अगर रहेगा तगड़ा, सेटिंग थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब ये देख सकते हैं क्लिप ग्राफिक में आके आपको जो भी यहाँ से एक कोई भी ग्राफिक एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट देखने को मिलता है। तो बहुत ही ईजी है इसको ये करना, ठीक है। अगर वीडियो का लेंथ बड़ा है तो उसी में एडिटिंग का भी टाइम बढ़ जाता है। और अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ब्लिंक कराना चाहते हैं, या फिर जिस चीज़ से रिलेट करता है हमारा वीडियो, अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट में वो साइड से निकल के अपना नाम हो या फिर कुछ भी हो, तो यहाँ पे इन्हें एनिमेशन में जाकर टेक्स्ट एक डाल लेना है, ठीक है, और उसे एनिमेट कर देना है इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे हम थोड़ा सा कट्स लगा देंगे और इसे आप इसका जो ड्यूरेशन है वो कम करके भी रख सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब का जो ग्रीन स्क्रीन वाला मेरे पास है एक क्लिप, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस तरीके से आप भी अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली अगर इस तरीके का वीडियो एडिट करते हैं तो बहुत ही सिंपल है एडिट करना, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आपका जब भी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर वीडियोज़ होता है, तो उसमें आपका क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा। फ्रेम अलग से लाना पड़ेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बहुत सी सारी चीज़ें जो पड़ जाती है। आप यहाँ पे स्टिकर में आके स्टिकर का भी बहुत बड़ा रोल है। स्टिकर का भी यूज सही वे में किया जाए तो बहुत सारी चीज़ है। अगर आप वीडियो में कुछ बता रहे हैं उसी हिसाब से स्टिकर भी आप इसमें लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप जहाँ कहीं कहीं आप लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर आप इस तरीके से एडिट करते हैं अपने वीडियो को तो क्या होगा कि जो भी आपका व्यूअर्स हैं वो इससे एक टच जो वीडियो का होता है ना, एंगेजमेंट तगड़ा रहेगा इस तरीके से अगर आप वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना हार्ट टचिंग, तो उस तरीके का। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने कहीं कहीं कुछ लगा के आपको दिखा रहे हैं स्टिकर से, और यहाँ पे इस तरीके से आपको स्टिकर का यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेम लगा दिए, तो लास्ट में जो हमारा काम होता है सबसे लास्ट में हम फ्रेम को अप्लाई करते हैं, जिससे कि जितना भी लेयर्स है वो सब पीछे रहे और लास्ट में हम किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप पहले अगर इसका यूज कर लेते हैं तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने लिखा था ब्लॉग वीडियो, तो वो उसमें अंदर चला गया था, तो उसको फिर से बाहर निकालना पड़ा। और इस तरीके से आपको जो फ्रेम है उसको अप्लाई करना है, और उसके बाद आप एक अपने चैनल का ब्रांडिंग यानी कि जो भी आपका वाटरमार्क है वो लगा सकते हैं। तो ऊपर में आप लगा सकते हैं यहाँ पे राइट साइड की ओर, तो हमने लिख दिया FD ब्लॉग ऐसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। एंड यहाँ से आप अपना, अगर आप चाहते कि नहीं आपके पास लोगो है तो लोगो भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको ऊपर भी रख सकते हैं या फिर आप इसे यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तब भी हो जाएगा। उसको हम इधर भी रख सकते हैं या फिर इधर भी रख सकते हैं, नीचे करके वीडियो के अंदर भी रख सकते हैं या फिर फ्रेम में भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम में डालिएगा तो जो आपके वीडियो का सिक्योरिटी है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और अब ये हो चुका है कम्प्लीटली डन। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ चीज़ें और है जो मैं देखता हूँ क्या क्या इसमें अप्लाई अभी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपना इंट्रो मैं डाल देता हूँ, अगर आपके पास इंट्रो है तो इंट्रो भी आप टाइपोग्राफी के बाद डाल सकते हैं। एंड यहाँ से अब आपको आउट्रो डाल लेना है,
तो हालांकि कोई भी YouTube वीडियो इसी तरह पूरा का पूरा एडिट होता है नॉर्मली, और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग सब कुछ यही होता है, इफ़ेक्ट इसी तरह अप्लाई किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।